जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में जो है निकल कर आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 12,800 पदों पर जो है ग्राम सेवक के पदों पर जो है बम्पर भर्ती है 2023, बिगेस्ट भर्ती जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपको शुरुआती सैलरी जो वेतन मिलेगा ये आपको जो है 20,000 रुपये जो है प्रत्येक माह जो है हर एक महीने जो है सैलरी मिलेगा। और ग्राम सेवक का पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले रहते हैं ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट इसी वजह से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं कि वो ग्राम सेवक बन सके। और ग्राम सेवक का पोस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पोस्ट होता है, बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। तो 12,800 पोस्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए जो होने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, जिस भी किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, हार्डवर्क करना है, तो आप सभी के लिए 12,800 पोस्ट जो है होने वाला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। अगर हम बात करें 12,800 पोस्ट में आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशंस योग्यता आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष जो है होना चाहिए, 21 वर्ष जो है आपका कंपलसरी है। साथ में मैक्सिमम आयु सीमा की बात करें तो 35 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। वहीं एज लिमिट में आपको जो है छूट भी देखने को मिलता है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आप इसमें आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, आराम से जो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। और ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट भर्ती होने वाला है। सैलरी जैसे मैंने आपको बताया 20,000 रुपये मिलेगा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका जो है कम से कम 20 से 25,000 रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। धीरे धीरे और भी आपको बहुत ही अच्छा सैलरी जो है एक बेहतर सैलरी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी भर्ती है। आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होगा, सीधी भर्ती होगा, कहीं पर भी आपको जो है किसी भी प्रकार की इंटरव्यूज देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपका जो है सीधी भर्ती होगा। 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और ये ग्राम सेवक का जो भर्ती होता है, ग्राम सेवक का जो पोस्ट वैकेंसीज है, ये हर एक महीने में जो है हर एक वैल्यू में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें आपको एक अच्छा खासा एक बेहतर रिज़ल्ट आपको जो है डेफिनेटली इसमें मिलेगा। और आप जो है यकीन मानिए, यकीन कीजिए, आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं। और ग्राम सेवक का जो जॉब होता है, ग्राम सेवक का जो पोस्ट होता है, ग्राम सेवक का जो वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप किसानों की हेल्प करते हैं, किसानों के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, और इसी के साथ आपको एक अच्छा सैलरी भी मिलता है। तो देखिए, एक अच्छा सैलरी पाने के लिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल ज़िंदगी जीने के लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। और मेहनत आपको जो है जनरल नॉलेज, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते हैं, जो आप लोग किताबें पढ़ते हैं ना, 10th 12th ग्रेजुएशन कॉलेज में है, वो सिर्फ आपकी किताबी ज्ञान है। आपको बाहरी नॉलेज के, बाहरी दुनिया के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से ज़िंदगी जिया जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, किस तरीके से कामयाबी हासिल किया जाता है। क्योंकि ज़िंदगी इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लगता होता है। पल पल, हर पल संघर्ष करना पड़ता है एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। और इसे यूं ही मत गंवाइए। आप बस टाइम पास करते रहते हो, फालतू की चीज़ों, फालतू की चीज़ों करते हो टाइम पास करने के लिए, इससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। ज़िंदगी में यदि कुछ करना है, ज़िंदगी को यदि आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो इसके लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। बिना मेहनत किए किसी भी प्रकार की सफलता, बिना मेहनत किए किसी भी प्रकार की कामयाबी आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आपको, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ बनना है, तो उसके लिए जो है सेक्रीफाइस करना सीखो। क्योंकि कामयाबी क्या मांगता है? सेक्रीफाइस मांगता है। आपको दर्द होगा, आपको पीड़ा होगा, यकीन मानिए जब आप मेहनत करेंगे ना, 100% लॉयल मेहनत करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा कि यार अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ से कर पाऊँगा, मेरे अंदर अब वो एनर्जी नहीं है, मैं कहाँ से आगे बढ़ पाऊँगा। 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे पढ़ाई करूँ, मैं 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप काम करने के समय में, काम करने के दिन में, काम करने के उम्र में यदि आप आराम करोगे, तो आराम करने के दिन में आपको जो है कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर ये एक स्टूडेंट लाइफ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर, वो कैपेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है आपके अंदर, और इस उम्र में यदि आप आराम कर रहे हो, बस आलस्य आलसी बने हुए हो, बस बेड में रेस्ट कर रहे हो, बेड में सो रहे हो, सो रहे सो रहे आराम कर रहे हो, हाँ सो गए, फिर उठा, फिर खाया पिया, फिर सो गए, इससे कुछ भी ज़िंदगी में आपका
कुछ भी ज़िंदगी जो है बदलने वाला नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी नया नहीं होने वाला, क्योंकि इस उम्र में, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। इस उम्र में आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तैयारी करोगे, उतना ही आपको जो है एक अच्छा खासा, एक बेहतर रिज़ल्ट जो है मिलता है। और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार अच्छे से तैयारी करोगे, एक बार कहीं आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, कामयाबी कोई बड़ी बात थोड़ी ना होता है कि कामयाबी हमें नहीं मिल पाएगा, आपको मेहनत करना होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करना सीख लिया, अगर आपने अच्छे से मेहनत करना सीख लिया, यकीन मानिए सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। और अगर कहीं आप ग्राम सेवक बन गए तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। देखिए, आपको ज़िंदगी मिली है, लेकिन आपको असल अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। आपको लाइफ स्टाइल बदलना है, न कि जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में ज़िंदगी भर रहना। गरीब होना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये सबसे गलत बात है। आपको अपनी परिस्थिति को बदलना है, आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है। देखिए, जो भी आप एक सपने लेकर रहते हैं कि हाँ इतने समय में मैं अपने इस सपने को, अपने इस ख्वाब को, अपने इस ड्रीम्स को पूरा करूँगा, तो आप उस ड्रीम को बस एक जगह लिख कर रखने से कुछ नहीं होता। आप उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किस तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जिनके आप एग्जांपल सुनते हैं ना, जिन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने कुछ अलग काम नहीं किया, उन्होंने बस उस काम में लगे रहे, उन्हें दसों बार, हजारों बार असफलता मिली, निराश हो गए, पूरी तरह से टूट गए। लेकिन पूरी तरह से टूटने के बाद, ज़िंदगी में पूरी तरह से निराश होने के बाद, उन्होंने खुद को बिल्ड किया, वापस से कम बैक किया, वापस से बाउंस बैक किया, फिर वो अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़े। जिसके आप लोग अभी सोचते हैं ना कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन उस चीज़ को करने में जो है बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट के लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट में कुछ स्पेशल, यूनिक कैपेबिलिटी, कुछ काबिलियत है। बस बात यह है कि आपको अपने अंदर के उस क्वालिटी को, अपने अंदर के उस यूनिक को पहचानना है, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। और छत्तीसगढ़ में 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए होने वाला है, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करने स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार कहीं आपने मेहनत करके ग्राम सेवक बन गए, सरकारी नौकरी मिल गए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। सो प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियोस को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में वीडियोस को शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो, आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप सभी के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई जो है अवश्य रूप से करूंगा। तो इसी तरह से नए नए वीडियोस मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को मिलते रहेंगे।